ইসার মধ্যে উঠে তখন ঘুরে পড়ে ইয়ার তোমার नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले जितना भी हमारे श्रोता बंधु भाई परिवार जी हमरा से बड़ बा ओकरा के दिल से प्रणाम, जो छोटा बा ओकरा के शुभ आशीर्वाद और सभी लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद खातिर सदैव हम आभारी बानी और हमेशा प्यार आशीर्वाद दुलार रुआ सभी के जौन मिलता ओकरा खाती कोटि कोटि धन्यवाद। और आज लाइव हमके आवे के पड़ल है अचानक, कहे से कि हमके जे जे हमरा से जुड़ल बा, जे हमके प्यार करेला, हमारे जितने भी मित्र साथी गण बंधु बाड़े उस सब लोग हमरा के एगो स्क्रीन शॉट हमरा पेज पे मैं सब के माध्यम से या जे पर्सनली जुड़ल बार नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोग हमरा के एगो स्क्रीन शॉट भेजले बा, जौना में कि हमरा नाम से कोई एक आईडी बा, जौना आईडी पे हर किसी के चैट करके और शायद कोनो प्रॉब्लम या कोनो कुछ भी बता के कोनो बात बता के पैसा के डिमांड होता, जबकि बात हम जब लाइव में लिखनी है तो पता नहीं बहुत सारा लोग फेसबुक पेज पे जब पढ़ेला तो का पढ़ेला, शायद अच्छा से पढ़ेला कि ना पढ़ेला कि नीचे कुछ भी लिख देवेला। हम लाइव आवे के और वो बात बतावे के कारण ई ना रहे कि पैसा के कोनो बात रहे, बात ई बा कि जे भी प्यार करेला वो हमार ह और हम आप सबके आभारी बानी कि इतना प्यार दुलार आशीर्वाद रुआ सभे से मिलेला। और अगर रुआ सभे के साथे केहू हमार नाम लेके कोनो प्रकार के भी अगर फ्रॉड करे चाहे रुआ सभे के मैसेज भेजे तो रुआ सभे से नम्र निवेदन बा कि वो पर ध्यान मत दे, कहे से कि हमार एके आईडी बा राकेश मिश्रा ऑफिशियल पेज, जौना पेज पर रुआ सभे के ब्लू टिक मिली, अगर रउरा सब हमरा के फॉलो भी करतनी तो ध्यान रखब कि राकेश मिश्रा नाम से अगर जितना भी आईडी चलता ओकरा में जौना आईडी पे ब्लू टिक रउरा सब के दिखाई उहे आईडी हमार ओरिजिनल है। और हमार राकेश मिश्रा ओरिजिनल आईडी के अलावा कोनो भी आईडी से अगर रउरा सब के मैसेज जाए कुछ भी डिमांड के या पैसा के या कोई कोनो प्रॉब्लम बतावे या कोई बहुत सारा मैसेज ऐसा हम देखनी है जौना में कोई बतावता कोई शायद राकेश शर्मा या मिश्रा नाम से कोई आईडी बा जे सबके रिक्वेस्ट भी भेजता तो ये सब पे रुआ ध्यान मत दे। हम ई नहीं चाहत कि हमके चाहे वाला चाहे हमके प्यार दुलार आशीर्वाद दे वाला जे भी भोजपुरी परिवार से हमसे जुड़ल बा ओकरा कोनो दिक्कत हो जाए चाहे ओकर दू पैसा फालतू के कहीं चल जाए केहू के इमोशन में, कहे से कि आप सब इतना प्यार दुलार दिले कि रउरा सभे केहू कहीं कोनो मजबूरी बताई तो प्यार दुलार में कहीं कोनो मिस्टेक ना हो जाए। तो लाइव में हमरा बतावे के पड़ल है कि जब हमरा भी लगातार आयल है कि यह टाइप के घटना हो रहा बा तो हम सोचनी है कि रउरा सभे के बतावल जरूरी बा। तो अभी अभी हम जैसे कि रिकॉर्डिंग के सिलसिले में अभी कालिका स्टूडियो आरा अनिल जी के स्टूडियो में आयल बनी कालिका स्टूडियो में और वही से हम लाइव बनी तो रउरा सभे के हम कन्फर्म कर दी कि राकेश मिश्रा ऑफिशियल पेज जौना पे कि ब्लू टिक बड़ू है, ये बात के बार बार दोहरावतनी कि रउरा सभे कभी मिस्टेक मत करो, ऐसा ए टाइप के मिस्टेक रउरा सभे से ना होके के हुई। और जे भी भाई अभी हमके मैसेज करता हम भले केहू के नाम निकले लेकिन सबके प्रणाम सबके दिल से आभार, जो भी हमारे दोस्त साथी मित्र हमको मैसेज कर रहे हैं सबको दिल से लव यू। अनुज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम सचेत नहीं कर रहे हैं, हम सबको बताना मेरा फर्ज है। अजय पांडे जी, दिनेश लाल यादव जी, सिंगर लालू मिश्रा जी, मुकेश कुमार, रवि पांडे, अमोद राय जी, अभिषेक मिश्रा जी, गुड इवनिंग।
माया जी हेलो, हिमांशु पाठक, सिंगर अनीश दुबे जी, एमडी अरशद आलम, लव यू टू ब्रदर, प्रदीप बाबू, बहुत बढ़िया हूँ मैं और बहुत ही अच्छा सब कुछ एकदम हो रहा है। इसी बीच में ऐसा थोड़ा सा हमको न्यूज मिला जो कि पढ़ के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक दो लोग नहीं, कम से कम हमारे फ्रेंड लिस्ट में जो 50-100 लोग हैं सबको इस तरह का मैसेज किया गया। नूतन राजी गुड इवनिंग, एमके राजा जी, और सबको मैसेज करके उसमें प्रॉब्लम बता के शायद पैसे लेने के लिए बात कहा जा रहा है। तो आप लोग किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो कि हम नहीं जानते हैं कि ये आईडी कौन बनाया है और कौन क्या कर रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर राकेश मिश्रा के नाम पे जितना भी आईडी चला रहे हैं, चाहे कोई भी आईडी से अगर इस तरह का मैसेज आता है, तो आप उस आईडी पे पहले जाके ब्लू टिक जरूर चेक कीजिएगा। आप लोग ब्लू टिक जरूर चेक कीजिएगा। ब्लू टिक जो आईडी होगा वही राकेश मिश्रा का ओरिजिनल आईडी है, इसके अलावा कोई भी आईडी ओरिजिनल नहीं है। तो हम अपने जो भी भगवान रूपी श्रोता हैं, हम सबको यही बताना चाहते हैं कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तपस्या से, बहुत ही अपना समय देकर गंवा कर दो पैसा कमाता है, और कभी कोई चीज़ इसी तरह से चला जाए। यहाँ तक कि मैं आप लोग को ये भी आज बता दूँ कि अगर राकेश मिश्रा का स्टेज शो भी किसी को कराना होता है, जैसे बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि भैया आपका स्टेज शो कराना है और फलाने ने आपके नाम पे बोला कि हम करा देंगे, चिलाने ने आपके नाम पे बोला हम करा देंगे, या कुछ भी ऐसा, तो आप अपनी डायरेक्ट बात हमको राकेश मिश्रा ऑफिशियल पेज पे जाके, चाहे राकेश मिश्रा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाके, डिजिटल माध्यम से जितना भी प्रारूप बना हुआ है उस पर आप डायरेक्ट राकेश मिश्रा को सर्च कीजिए। राकेश मिश्रा से जुड़ना है तो राकेश मिश्रा से जुड़ने के लिए सब कुछ है आपके पास सोशल मीडिया पे। विपिन कुमार यादव जी, रंजन साहू, रवि कुमार रॉय, सोनू बाबा, थैंक यू, राज शुभम मिश्रा, लक्ष्मी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, लक्ष्मी शर्मा जी, अमोद कुमार, अमोद, सरोज कुमार सिंह जी, कृष्णा शर्मा, राजीव पांडे जी, विवेक पांडे जी, विपिन कुमार, अभी तो फिलहाल जितने भी हमारे भाई लाइव पे जुड़े हैं, वो सभी लोग से निवेदन है कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात हर मुझे चाहने वाले करोड़ों फैन, लाखों फैन जो हमें इतना दुलार प्यार देते हैं, जो हमारे गाने को सुनते हैं, देखते हैं, उन सबको ये पता चल जाए कि इस टाइप का अगर कभी भी कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या कोई भी आपको मैसेज करता है, तो इस मैसेज को आप इग्नोर करें। चंदन शुक्ला जी, जय हो आपकी भी। छोटे लाल प्रेम जी, हम क्यूट लग रहे हैं तो आप भी बहुत क्यूट हैं। पवन सिंह जी, प्रेम शिखा, शीला कुमारी, नमस्ते। विक्की राजभर, लभी भाई, राजकमल भारद्वाज जी, प्रणाम। विनय कुमार चौबे जी, गुरु मिश्रा, चंद्रजीत यादव, नमस्कार भाई। अनिल यादव जी, खूब आगे बढ़िए, आप सिंगर हैं तो अच्छा गाइए। धीरेंद्र कुमार जी, आशु शर्मा, रमेश कुमार गुप्ता जी, रतन कुमार जी, अरविंद पांडे जी, रविंद्र यादव, एंकर अरशद राज, थैंक यू ब्रदर। और दूसरी चीज ये भी है कि कल एक मेरा राकेश मिश्रा ऑफिशियल पेज पे पोस्टर रिलीज किया गया था, अखबार में न्यूज आया था, उस पोस्टर पे एक टाइटल था जिसको लेके बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट आए। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं आप लोगों से कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना अच्छे से पढ़े, बिना किसी गाने को सुने, एक तो मानता हूं कि फॉर्मेलिटी हो गई है। कितनी बार ऐसा हम लोग भी देखते हैं कि पोस्टर रिलीज होता है तो लोग बोलते हैं अरे गर्दा उड़ा दिलास, बहुत सुंदर, जबकि ना गाना सुने हैं ना भी गाने को समझे हैं। तो ये ठीक है, लेकिन आप किसी पोस्टर को, सिर्फ पोस्टर ही आता है,
तो इस तरह से उसके विषय में निगेटिव फैला देना, उसके विषय में कुछ भी बोल देना, मुझे नहीं पता है भाई। कि मैं तो इतना जानता हूं कि माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। जो मुझे आशीर्वाद देते हैं उनको भी मैं बहुत प्यार करता हूं, जो मुझे गालियां देते हैं उनको भी बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारा काम है सिर्फ प्यार करना और प्यार देना। हम कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में इतने कलाकार का पोस्टर रिलीज होता है, सभी आर्टिस्ट का एक से एक गाना रिलीज होता है, एक से टाइटल रिलीज होता है, लेकिन पता नहीं क्या है राकेश मिश्रा से। कुछ लोगों को समस्या है कि राकेश मिश्रा को क्या चाहते हैं, कि राकेश मिश्रा को डिस्टर्ब डे वन से हमेशा किया जाए, उनको प्रॉब्लम में रखा जाए, उनको परेशान किया जाए। इसीलिए कल एक जब मेरा पोस्टर रिलीज हुआ का पेनहल उल्हल छोड़ देबू, उस पोस्टर पे टाइटल है का पेनहल ओढ़ल छोड़ देबू। अब इस गाने को कोई सुना नहीं है, केवल पोस्टर रिलीज हुआ है। उसके बाद नीचे इतना ज्यादा मतलब उल्टा पुल्टा कमेंट कि राकेश मिश्रा आपको ये नहीं वो नहीं। अरे भाई साहब, हम ही थोड़े धरती पे एक सिंगर हैं, केवल हम ही थोड़े मिलते हैं सुनाने के लिए, और भी लोग हैं। बोल के देखिए फिर। राज यादव जी देवरिया से आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। तो मैं इसमें भी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि राकेश मिश्रा से अगर प्रॉब्लम भी है, चाहे आपको जलन भी है, या आप नहीं चाहते हैं कि राकेश मिश्रा भी एक सबके चाहते बने, बहुत बड़े सुपरस्टार बने, तो सबके दिलों पर राज करें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो अलग बात है। ये सब तो भगवान के हाथ में, ये सब तो हमारे श्रोता बंधु के हाथ में है। हो सकता है सुनने वाले करोड़ों हैं, उनमें 10 आदमी नहीं भी चाहते हैं, जहां प्लस होता है वहां माइनस भी होता है। लेकिन मैं प्यार से ही और रिक्वेस्ट से ही, एक नम्र निवेदन से आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे से किसी को कोई पर्सनली दुश्मनी है, चाहे मैं कभी किसी का कुछ बिगाड़ा हूं। आप लोग मुझे प्यार नहीं भी करते हैं तो शायद करने लगेंगे। हो सकता है कुछ छोटी छोटी चीजें आदमी के दिमाग में रहता है, नहीं जानता है तो, लेकिन शायद जब आप मेरी अच्छाई जानेंगे तो मुझसे प्यार हो ही जाएगा आपको। मैं यही चाहता हूं कि मेरा कोई भी गाना अगर आए या कोई पोस्टर लॉन्च हो तो उसके ऊपर ऐसे कुछ भी मत कमेंट कर दीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एक बार गाना सुन लीजिए, और मैं वादा करता हूं जितने लोग मुझे ये जो मेरा गाना आ रहा है, एक नया चैनल है हाहा फिल्म करके, जिससे कि एक दिनेश लाल यादव निरहुआ बड़े भैया का फिल्म भी आया था, शॉर्ट फिल्म भारत, उसी चैनल से गाना मेरा रिलीज हो रहा है 13 तारीख को सुबह में, का पेनहल ओढ़ल छोड़ देबू। मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूं और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि वो गाना जब आप सुनेंगे तो शायद आपका सोच बदल जाएगा कि ऐसा गाना इस टाइम में भी कोई गा सकता है। मैं गाने को ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो रियली में बहुत अच्छा गाना है। जिस गाने के पोस्टर पे इतना बवाल हुआ है और इतनी सारी बातें बोल दी गई हैं, उस गाने को जब एक बार आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस होगा और आप लोगों को सच में लगेगा। हमने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया, जो हमारी टीम सोशल मीडिया देखती है, उन्होंने मुझे बताया भी कि भैया लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लोग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। तो मैंने बोला भी, गीतकार विकास चंद्रवंशी जी, मेरा कॉपी कोई नहीं कर रहा है और मैं कोई ट्रैक पे और कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं बोलता हूं, मैं पब्लिक के सामने आता हूं तो यही बोलता हूं कि मैं अभी कुछ भी नहीं किया हूं, अभी मुझे आप लोग का आशीर्वाद प्यार दुलार का बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, जो कि आप लोग ही संभव कर सकते हैं। अभी तो मैं महज इतने दिन के मेहनत में, बहुत दिनों से शायद आप लोग का प्यार नहीं मिल रहा था, या मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम था, या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो मैं हंसते हुए उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। और आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार जो मिल रहा है उससे बहुत अच्छा मैं करूंगा अपने लाइफ में, और अच्छा करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूं। अभी आने वाले जितने भी गाने हैं, आप यूट्यूब पे शायद राकेश मिश्रा जब सर्च करेंगे, राकेश मिश्रा न्यू सॉन्ग, आपको हर गाने में एक अलग मिजाज मिलेगा,
और मैं जो प्रयास करता हूं, जब मैं सोचता हूं कुछ अलग करूं नया करूं, तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब मैंने इतना ही विनय पांडे जी, मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि मैं किसी चीज में घुसता ही नहीं हूं। इतनी सारी बातें होती हैं, फिर भी मैं अपने को दूर रखता हूं। मैं दिन रात सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूं। और मुझे मैं सौभाग्यशाली हूं, अभिनव मिश्रा भैया गोल लागत नहीं लाइव के माध्यम से, थैंक यू सो मच। मैं सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा दिन रात सिर्फ गाने गाने गाने, अच्छी फिल्म, अच्छे गाने। बहुत लोगों ने पूछा भैया फिल्म अभी नहीं आ रहा है, तो मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को अचानक एक बड़ा सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोई फिल्में नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी फिल्म करने जा रहा हूं, और जिस फिल्म का मुहूर्त हो चुका है बाजी, बाजी का शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगा, उसकी तैयारी भी कर रहा हूं। तो मुझे उन सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से एक उम्मीद है, आशा है कि आप लोग, क्या खाता राकेश मिश्रा से हुई है कि मेरे पोस्टर जब लॉन्च होते हैं तो विवादित बात हो जाता है, मेरे गाने होते हैं तो हजार तरह के विवादित बात हो जाते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा बंद कीजिए। मैं आपका भाई ही हूँ, आपके परिवार का लड़का ही हूँ। जब आप कभी देखेंगे, सोचेंगे कि एक आपका भाई पिछले 12-15 साल से मेहनत करके और अभी तक डटा हुआ है इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे संगीत जो है वो सिर्फ मेरा एक मेहनत है, पैसन है, ऐसा नहीं है कि मेरा ये कोई खानदानी चीज है, मैं परिवार मेरा संगीत से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं किसके भरोसे काम करता हूँ? आप लोगों के भरोसे काम करता हूँ। दिन रात मैं किसके लिए मेहनत करता हूँ? आपके लिए मेहनत करता हूँ। दिन रात मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ कि मैं आप सबको इंटरटेन कर सकूँ, आप सबका इंटरटेनमेंट हो सके। और जो भी भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं या मेरे लाइव को शेयर कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं कि अपनी बात बोलने में आप सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, चाहे आप लोगों से मैं रूबरू नहीं करा पा रहा हूं और भी मित्र को, लेकिन आप सब आज मेरी बात सुनिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई की, मैं दिन रात वर्क कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, और आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, जिस पोस्टर पे इतना बवाल हुआ है, का पेनहल ओढ़ल छोड़ देबू जो गाने का टाइटल है, वो गाना 13 तारीख को रिलीज होगा, और उस गाने को जब आप सुनिएगा, फुल गाना सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा गाना है। और मैं पढ़ता हूं तो कभी कभी शॉकिंग होता हूं कि पता नहीं भाई हम ही से क्या प्रॉब्लम है, हम ही को क्यों इतना टारगेट किया जाता है। मैंने हद से ज्यादा मुझे ही ऐसा लगता है जैसे प्लानिंग में लोग बैठे हुए हैं कि बस कुछ भी राकेश मिश्रा का पोस्ट आता है तो उस पर एकदम टूट पड़ो, उनको जितना माइनस बोलना है बोलो, जितना डेमोलाइज करना है करो, ऐसा लगता है जैसे एक ग्रुप बन के बैठा हुआ है। बट हम कभी आप लोगों को ये नहीं बोलते हैं, मैं हर किसी को प्यार करता हूं और मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनका तो मेरे पे स्नेह है ही, जो मुझे कुछ बोलते भी हैं उल्टा सीधा उनका भी स्नेह है। तो संजय कुमार गुप्ता जी, मैं संघर्ष अपना जारी रखा हूं, मेरी बात सिर्फ ये है, मेरा आज कोई ऐसा बात नहीं है, मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूं कि किसी भी चीज को, किसी भी पोस्ट को, किसी भी पोस्टर को, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैत में चैतनवमी जो आता है, जो अब माता जी का पाठ भी बैठने वाला है, तो एक और गुड न्यूज है आप सभी को, ये भी मैं बता दूं कि आप सबके आशीर्वाद से आरएमपी म्यूजिक टोन, आज लाइव में ही बता रहा हूं, आप सभी लोग जब वो चैनल लॉन्च होगा, यानी कल होगा, कल सुबह पहला देवी की तारा है मेरा आरएमपी म्यूजिक टोन से, और ये चैनल आप सबका है। आरएमपी म्यूजिक टोन मेरे अपने बड़े भैया का चैनल है, जो कि एक शुरुआत कर रहे हैं सभी भोजपुरिया दर्शक बंधु के लिए, तो
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, दुलार मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये भी उम्मीद है कि उस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, उसके गाने को शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत। उस चैनल का नाम ही है RMP म्यूजिक टोन। और मेरा देवी गीत कल सुबह आ रहा है, जो कि उसका पोस्टर कुछ देर के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी मुझे भाई सुनते हैं, जितने भी करोड़ों करोड़ों फैंस जो कि ए राजा जाई ना बहरिया जैसे सॉन्ग को आज सुपर डुपर हिट आप सब ने बनाया, पूरे यूपी, बिहार, पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, जो कि 300 मिलियन होने वाला है, एक दो दिनों में हो जाएगा। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, 300 मिलियन सॉन्ग का होना। तो मेरे पास तो शब्द कम पड़ते हैं आप लोगों को शुक्रिया बोलने के लिए, क्योंकि मैंने तो आज तक सिर्फ गाने दिए हैं आप लोगों को, और आप लोग तो अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, समय, अपना हिम्मत, अपना सपोर्ट, सब कुछ मुझे देते हैं। मैं तो सिर्फ एक गाना ऑडियो वीडियो करके आप लोगों को सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देता हूँ, लेकिन आप लोग कितने महान हैं। मैं भोजपुरी जगत के पूरे श्रोता समाज को, पूरे गाना देखने वाले, सुनने वाले, रंजीव वर्मा जी, हम कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो ये आप लोग को जो मैं बता रहा था कि आप लोग इतने ज़्यादा प्रभावी हैं, आप लोग इतने अच्छे हैं कि हम कलाकार तो सिर्फ गाना गाते हैं, आपको इंटरटेन करते हैं, और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, हर जगह हर टाइम आप लोगों ने सपोर्ट किया है। जब जब मुझे लगा है कि मैं मेरे पे प्रेशर आ रहा है, चाहे मुझे परेशान किया जा रहा है, चाहे मैं अनुज कुमार जी, आपको पार्टी मिलेगा 300 मिलियन का, सभी भाई लोग पार्टी मनाइएगा, राजा जाई ना बहरिया 300 मिलियन होगा तो आप लोग जो जहां है वहां पार्टी जरूर मनाइएगा, ये मेरे लिए ही। भले मैं आपके पास नहीं पहुंच पाऊं, आप लोग पूरे भारत के कोने कोने से मेरे साथ लाइव पे जुड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि राकेश मिश्रा ऑफिशियल पेज से ज़्यादा जुड़िए। मेरा आने वाला हर एल्बम, हर मेरा छोटा बड़ा वीडियो, हर मेरा एक्टिविटी आपको राकेश मिश्रा ऑफिशियल पेज, राकेश मिश्रा ऑफिशियल इंस्टाग्राम से मिलेगा, रील्स पे मिलेगा। तो ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, और जिसके कारण ये सब कुछ संभव है। नूतन राज जी, आप भी पार्टी कर ही लीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कल सुबह जो माता का भजन आ रहा है, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद माता का भजन आप सबको बहुत पसंद आता है मेरा, और कल माँ का भजन आ रहा है आप सब के बीच में, RMP म्यूजिक टोन, ये याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा कि RMP म्यूजिक टोन, जिसपे कि आपको मेरा गाना सुनने को मिलेगा, देवी गीत, पहला देवी गीत चैतनवमी का कल रिलीज हो रहा है। और बस मेरा यही निवेदन है मेरे भाई सभी लोगों से कि जाने अनजाने में अगर आप मेरे किसी बात से या किसी भी हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, किसी बात से नाराज भी हैं, तो मेरे भाई मान जाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, इस तरह का कमेंट कीजिए, इस तरह का जितना आप कमेंट उल्टा सीधा करते हैं उतना अगर शेयर करेंगे, उतना सपोर्ट करेंगे, तो मुझे कितनी खुशी होगी, और आप लोग का आशीर्वाद होगा तभी तो भोजपुरी का जो ये साम्राज्य है बड़ा होगा। आने वाले और सभी नए कलाकारों को सपोर्ट कीजिए, जैसे सबको प्यार देते, आपको करना क्या है, सिर्फ प्यार देना है सबको, प्यार ही तो हम लोग मांगते हैं, और कहाँ कुछ मांगते हैं। विनय पांडे जी, परसों से माता का पाठ बैठेगा, और मेरे तरफ से एक बहुत ही प्यारा गाना जो आप सब लोगों को बहुत पसंद है, एक प्यारा सा गाना मैं गा रहा हूं। आब के परी ये मैया, आब के परी तुहरा, आब के परी हो, आब के परी ये मैया, आब के परी तुहरा, आब के परी, जब आंगन में
जब आंगन में घी दिया बरी भवानी मैया आवे के परी। जब आंगन में घी दिया बरी भवानी मैया आवे के परी। कि पुरावे के परी हो ललसा आवे के परी तुहरा आवे के परी। पुरावे के परी हो ललसा आवे के परी तुहरा आवे के परी। जब आंगन में घी दिया बरी भवानी मैया आवे के परी। जब आंगन में घी दिया बरी भवानी मैया आवे के परी। एक बहुत बढ़िया पारंपरिक गीत होला कि जगदम्बा घर में दिया न बार ऐनी हो। जगदम्बा घर में दिया न मैया जी के आरती, मैया जी के आरती उतार ऐनी हो। जगदम्बा घर में दिया न बार ऐनी हो। जगदम्बा घर में दिया न। तो कल सुबह 6 बजे RMP म्यूजिक टोन से बहुत ही बढ़िया देवी गीत रिलीज हो रहा बा। रउआ सभे के आशीर्वाद प्यार बना रहे। माँ वैष्णो देवी, माँ विंध्यवांचली और माई के जितना भी रूप बा, समस्त माई का आशीर्वाद हमारा भारत देश पे पड़त रहे, पूरा भोजपुरिया समाज पे पड़ा रहे। जो भी हमनी के जीवन में छोटा मोटा दुख आवता वो दूर हो जाए। और रउरा सभे के एडवांस में एक दिन पहले चैत्र नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक बधाई। और छोटा सा निहोरा कि अपना घर के परिवार, अपना बेटा, अपना भाई, अपना कलाकार के प्यार दुलार दी सभे, सपोर्ट करी सभे। रउरे सभे हमार धन बनी, रउरे सभे हमार मन बनी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.